नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड। पेश है आज की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी पंचायत समिति के झालावाड़ रोड रेलवे स्टेशन पर देहरादून गाड़ी के नहीं रुकने पर फिर से ज्ञापन दिया गया। इनका कहना है कि कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, डीएम और जीएम का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड को स्टेशन मास्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया ताकि जल्द से जल्द देहरादून एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित हो सके। रणजीत मेघवाल ने बताया कि छत्तरपुर ग्राम पंचायत श्री बालाजी सेवा समिति धरनावत ग्राम से सरपंच रामचंद्र, जनप्रतिनिधि घासीलाल, देवराज मीणा, सुनील पाटीदार, ललित पाटीदार, जगदीश बैरागी, अमित पाटीदार, नवीन पाटीदार, बंटी पाटीदार, दिनेश मीणा, राहुल कारपेंटर, पंकज पाटीदार, चांदमल मीणा, मुकेश पाटीदार, दिनेश पाटीदार मौजूद रहे। आज बाल कल्याण समिति ने संकल्प बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। अध्यक्ष शिवराज सिंह हाड़ा ने बताया कि बच्चों से संबंधित सभी पत्रावलियों को जांचा गया। बच्चों का मेडिकल चेकअप नियमित किया जा रहा है। ग्रीष्मकाल अवकाश के चलते बच्चों की सुबह अतिरिक्त क्लास चल रही है तथा दिन में पेंटिंग और डांस भी सिखाया जा रहा है। सदस्य गजेंद्र सेन, बबली मीणा, पूर्णिमा सिकरवार ने बालकों के आवासीय कमरों का भी निरीक्षण किया। कूलर और पंखों की व्यवस्था बराबर थी लेकिन बड़े हॉल में एक एक कूलर और लगाने को दिए गए। भोजन की व्यवस्था ठीक पाई गई और सफाई की व्यवस्था भी ठीक ही पाई गई। और अब खबर झालरापाटन से। जयपुर इंदौर रोड पर झालरापाटन में पशुपतिनाथ मंदिर से सुनेल तिराहे तक निर्माणाधीन सड़क का कार्य एक पखवाड़े से बंद होने के विरोध में इस क्षेत्र के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। मंगलवार दोपहर को पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र के व्यापारी चंद्रकांत शर्मा, जितेंद्र जांगिड, तूफान गुर्जर, मुकेश राठौर, रतिराम गुर्जर, विजय पाटोत, रमेश चंद गुप्ता, प्रेमचंद, कालू सिंह, प्रकाश गौड़, नरेंद्र गौड़, रमेश चंद्र सोनी की अगुवाई में जयपुर इंदौर रोड पर सड़क के बंद पड़े कार्यस्थल पर पहुंचे, जहां इन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। झालरापाटन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बोरदा के गाँव टोलखेड़ा में इंटरलॉकिंग खरंजा का भूमि पूजन और 3 जगह हैंडपम्प का शुभारम्भ किया गया। मुख्य अतिथि प्रधान भावना झाला ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा गांव का विकास शहरों की तरह करने का है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव गांव के विकास की कल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं। गांव टोलखेड़ा में 10 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत इंटरलॉकिंग और खरंजा निर्माण का भूमि पूजन करते हुए उन्होंने कहा कि खरंजा बनने से गाँव में लोगों को आवागमन में सुविधा होने के साथ ही स्वच्छता भी बनी रहेगी। प्रधान ने बिंदा, बोरदा और द्वितीया खेड़ी में लगाए गए हैंडपंप का शुभारंभ किया और कहा कि हैंडपंप लगने से इन गांव में पीने के पानी की समस्या दूर हो सकेगी। सोमवार शाम को तेज आंधी, तूफान और बारिश से खानपुर उपखंड क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं तूफान की वजह से कई बिजली के पोल और पेड़ गिर गए, घरों के चद्दर उड़ गए। चद्दर उड़ने के कारण घरों में बैठे कई लोग घायल हो गए। खानपुर निवासी देवेंद्र गुप्ता के चद्दर भी उड़ गए। खानपुर में 23 मई को होने वाला एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम बारिश और तूफान की वजह से नहीं हो पाया। आज आयोजकों द्वारा खानपुर कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें सभी सेलिब्रिटी मौजूद रहे। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। नमस्कार।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधू कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधू मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। चुड़ के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब दाको साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे। हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत गाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे।